इस बॉडी को यहाँ से पुल किया जा रहा है 100 न्यूटन के साथ में। हमें ये बताना है कि इनके बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स काम करेगा। मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा जल्दी हम लोग काम करेंगे, अगर हो सके तो आप लोग भी मेरे साथ इसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है? फिर अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा आप। देखिए बच्चों, फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, फोर्स कितना है 100 और टोटल मास है हमारे पास में 10। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास में निकल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू है बच्चों। फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब आप इस एरो को देखो, ये एरो बॉडी से दूर नहीं जा रहा है, ये एरो बॉडी की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द बॉडी जा रहा है बच्चों। तो जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको वो एरो लेने हैं जो बॉडी की तरफ होंगे। बॉडी से दूर जाने वाले एरो नहीं लेने हैं, वो एरो लेने हैं जो बॉडी की तरफ होंगे। अब आप देखिए, एक एरो हम बनाएंगे इस तरफ और एक एरो हम बनाएंगे इस तरफ, और इस फोर्स को हम नाम देंगे बच्चों F1। अब आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही एक एरो बनाएंगे हम इस तरफ और एक एरो हम बनाएंगे इस तरफ, इस फोर्स को हम नाम देंगे बच्चों F2। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट लैंग्वेज में हम लोग इसे बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? हम सबसे पहले उठाते हैं 7 किलोग्राम की बॉडी को। अब ध्यान से आप देखो, ये हमारे पास में जो बॉडी है ये 7 किलोग्राम की है, और इस 7 किलोग्राम की बॉडी पर इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन काम कर रहा है बच्चों, ठीक है? 7 किलोग्राम की जो बॉडी है इस पर आगे की तरफ काम कर रहा है 100 न्यूटन। एरो का जो साइन है वो बॉडी की तरफ है, तो इन दोनों में से भी वो एरो आपको लेना है जो बॉडी की तरफ होगा। ये एरो बॉडी की तरफ है और इसकी वैल्यू है F1। ये हम लोगों ने ले लिया है बच्चों F1। बॉडी जा रही है आगे और बॉडी का एक्सीलरेशन है हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेरी इजी, बड़े आसानी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बॉडी कहाँ जा रही है? आगे। तो हम आगे वाले फोर्स में से अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को माइनस करेंगे और मास की मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन से करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम 100 में से माइनस करेंगे F1 को और मास की मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन से, यानी 70, और F1 की वैल्यू हमारे पास में निकल जाएगी बच्चों 30 न्यूटन। F1 हमारे पास में निकल चुका है स्टूडेंट 30 न्यूटन, यानी इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है वो 30 न्यूटन काम कर रहा है। अब अगर यही कॉन्टैक्ट फोर्स हमें यहाँ निकालना है तो जैसी आपकी इच्छा यार, उस बॉडी को उठा लो, क्या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। चलिए हम बनाते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ C। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, चाहे तो इसका बनाओ या इसका बनाओ, बस ध्यान रखना एरो आपको वो लेने हैं जो बॉडी की तरफ होंगे। अब सी वाली बॉडी को आप देखो, सी वाली बॉडी का जो मास है वो 1 किलोग्राम है, और इधर से सी वाली बॉडी पर जो एरो आ रहा है, इधर से जो एरो आ रहा है वो ये आ रहा है, और इस एरो का नाम है F2। क्या इधर से भी कोई एरो आ रहा है? नहीं, इसीलिए हमने इसे बोल दिया 0। जब है ही नहीं तो 0 बोल दिया। बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन है आगे की तरफ और उसकी वैल्यू है 10। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप देखो, फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, 0 है अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें से इसे माइनस करेंगे F2 माइनस के 0, मास की मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन से। लो भैया, F2 हमारा निकल चुका है 10 न्यूटन और F1 हमारा निकला है स्टूडेंट 30 न्यूटन। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।